प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मैनपुर में जिला प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, जबकि लैतपुर में उड़द खरीद में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिसमें से जनप्रतिनिधि अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार, व्यापारी तीनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यूरिया खाद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें लैतपुर जनपद के एआर ने 23 दिसंबर को पहली रेक 2600 MT की लैतपुर जनपद में आई थी। सबसे पहले सोसाइटियों में खाद पहुँचाई जाती है, वह खाद सोसाइटियों में ना पहुँचा कर 1200 मीट्रिक टन इफको बाजार को दे दी गई है, जो पूरी तरह अवैधनिक है। इसमें एआर, जिला प्रशासन के अधिकारी और व्यापारी पूरी तरह से लिप्त हैं, जनप्रतिनिधि पूरी तरह से लिप्त हैं। क्या मांग है आपकी? क्या मांग? हमारी मांग है कि जिले में जो उड़द खरी चल रही है, जिन्होंने घोटाला किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। इसने यूरिया खाद में इतना बड़ा घोटाला किया है, किसान परेशान रहे हैं और सारे खाद बाजार में बिक गई है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी इसमें लिप्त हैं, अधिकारी हों, व्यापारी हों, सबको गिरफ्तार किया जाए। आज आपने पुतला दहन किया, किन का पुतला दहन किया? हमने यहाँ लैतपुर जिले में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जिला प्रशासन आग मूंद कर इसको देख रहा है। वो कोई भी विभाग हो, चाहे भूमि संरक्षण विभाग हो, नगर पालिका हो, उड़द खरीद की हो, या खाद के कामों का हो, कोई भी विभाग में भ्रष्टाचार हो, शिक्षा विभाग हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है। और हमारे का जिला प्रशासन अधिकारी आँखें मूंदे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जिले के भ्रष्टाचार बंद हो और जिला प्रशासन पर ध्यान दें। और हमारी मुख्यमंत्री से मांग है, आज जो जिला प्रभारी यहाँ पर आए हैं वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से इन सारे अधिकारियों को इन पर सारी जाँचें कराई जाएँ और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। विगत दिनों से जिला कांग्रेस कमेटी उड़द और यूरिया खाद में व्याप्त घोटाले को लेकर आंदोलन कर रही है, ज्ञापन दे रही है जिला प्रशासन को, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई न किया जाना इस बात का प्रमाण है कि जिला प्रशासन इस पूरे घोटालों में शामिल है। और वर्तमान में जो भी उड़द की खरीद की गई है उसमें किसानों के फर्जी शिक्षा लगाकर व्यापारियों द्वारा लूट खसूट शासन के पैसों की है। और यूरिया खाद का जो घोटाला हुआ है, यहाँ का एक व्यापारी जिसमें शामिल है, यहाँ के एआर और पीसीएफ इफको द्वारा एक ही व्यापारी को पूरी खाद देकर किसानों के अधिकारों पर डाका डाला गया है और यहाँ की खाद एमपी में ऊंचे रेटों पर बेची गई है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि जो यहाँ के उड़द खरीद घोटाले में शामिल है, जो यहाँ के खाद घोटाले में शामिल है व्यापारी, उनको गिरफ्तार किया जाए मुकदमा कायम करके। और यहाँ तक कि जिला कांग्रेस कमेटी ने यह भी आरोप लगाया था कि यहाँ के प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही जी भी इन सारे घोटालों में शामिल है, इसी उन्हीं की सह पर यहाँ के व्यापारी और अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।